Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. साल 2022 की संसद कार्रवाई में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को दोनों सदनों में कटघरे में खड़ा किया। 5 चुनावी राज्यों में यह मुद्दा विपक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा तथा बिहार और प्रयागराज में पिछले महीने RRB NTPC की परीक्षा को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। बुधवार के दिन राज्यसभा में राज्य गृह मंत्री ने NCERB का डेटा पेश किया, जो देश में बेरोजगारी की समस्या पर चिंता करने के लिए मजबूर करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संसद में लिखित जवाब में बताते हैं कि साल 2020 के दौरान 3,584 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करी। उन्होंने यह डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से दिया। डेटा के अनुसार सबसे अधिक आत्महत्या 720 कर्नाटक में दर्ज हुई, इसके बाद महाराष्ट्र 625, तमिलनाडु 336, असम 234 और उत्तर प्रदेश 227। यदि हम पिछले 5 वर्ष के आंकड़े देखें तो देश में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। संख्या साल 2019 में 2,851, 2018 में 2,741, 2017 में 2,404 और 2016 में 2,298 थी। यदि हम NDA शासनकाल में बेरोजगारी के कारण हुई आत्महत्या का औसत लगाएं तो यह 2,681 मृत्यु प्रतिवर्ष है। यह औसत साल 2014 से 20 के आंकड़ों पर आधारित है। नित्यानंद राय राज्यसभा में बताते हैं कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। इसके अंतर्गत सरकार जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी। नित्यानंद बताते हैं इसे देश के 692 जिलों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.